तो अभी रमेश भाई बनाने जा रहे हैं खस्सी का मीट, और ये अपने हाथों से धो रहा है, रोशन प्याज काट रहा है, और दिनेश पता नहीं क्या कर रहा है पीछे। हम जानते थे कि सब मतलब नहीं खाएगा, मसाला ला वाला। और ये चावल डला गया है, और अब रमेश भाई मीठ में दही मिला रहे हैं, और इसके बाद जो मसाला मिला रहे हैं, पता नहीं इसमें क्या क्या मसाला मिला रहा है, लेकिन बहुत सारा मसाला मिला रहे हैं। और ये मसाला जो है मिला के तैयार हो चुका है। और इधर शेरू इंतजार कर रहा है कब मीठ बनेगा। इधर चावल जो रेडी है, लेकिन इसमें पानी रह गया, तो रोशन पानी निकाल रहा है चावल में से। और अब रमेश भाई कढ़ाई में गरम मसाला डाल दिए हैं, जो भी फ़ौरन में पड़ता है। उसके बाद सरसों का तेल डाल दिए हैं, और इसको अच्छा से पकाने के बाद जो है इसमें थोड़ा सा हरा मिर्च डाल दिए हैं। अब बारी है प्याज के डालने का, तो प्याज भी इसमें डाल दिए हैं, और पूरा प्याज जो है भर भर के डाले हैं। और इसको जो है अब अच्छे से सिझाएँगे, तो इसको चला रहे हैं। थोड़ा देर पकने के बाद जो है इसका आगे का प्रक्रिया होगा। और ये जो है प्याज भुंजा रहा है, देखते हैं कितना समय लगता है प्याज भुंजाने में। तो इसमें फिर से तेल डाल दिए, इसमें कम था तेल इसलिए, और इसको अच्छा से जो है भुंज रहे हैं। और प्याज अच्छे से भुजाने के बाद इसमें मीठ डाल दिए हैं, और इसको जो है तब तक भुजेंगे जब तक मीठ जो है अच्छी तरह से पक ना जाए। और आग का ताव यहाँ पर नीचे से देख सकते हैं कितना तगड़ा यहाँ जल रहा है। ए भाई, खस्सी बना रहा है कि बीरबल की खिचड़ी, कितना टाइम लगेगा? मीट को जो है थोड़ा देर भुजने के बाद देख सकते हैं इसमें से थोड़ा सा पानी निकल रहा है। उसके बाद इसको जो है तोप देंगे, जब तक सीझेगा नहीं इसको निकालेंगे नहीं। हट बांचो, नहीं खाएंगे, तू लोग बहुत टाइम लगाता है। अब मीट जो है बन के हो चुका है रेडी, और अब इसको खाने के लिए निकाल लेंगे। क्या भैया, गुस्सा में चले गए तो आप बुलाए भी नहीं। तो मीट कैसा बना है? सुपर, एक नंबर। मीट तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन हड्डी नहीं सिझा। अगली बार से सिझा के देना। थैंक यू।